मतलब ऑनलाइन करेंगे। आज हम इस कविता वाचन का वर्चुअल सेशन है। आपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया, बहुत बारी भाग लिया, आज आपको एक नया अनुभव मिलेगा। और आप लोगों के पास टाइम लिमिट है, आपने 1.5 से 2 मिनट की ही कविता बोलनी है। और सारे जो आपको निर्णायक बिंदु लिखे गए थे उन पर आधारित ही आपने अपनी कविता का वाचन करना है। और अब समय हमारे पास कम है, जूम मीटिंग 40 मिनट की है सिर्फ, उसी में सब बच्चों ने अपना प्रतियोगिता को खत्म करना है। ठीक है, अब हम इस प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। बबीता मैम, करें शुरू? यस मैम। यस मैम। नहीं आए ना सर? नहीं आए ना? नहीं मैम, सर ने ज्वाइन किया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। ऑल द बेस्ट टू ऑल। ऑल द बेस्ट ऑल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग लिली मैम। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम, स्टार्ट करवा दो। ओके मैम। हाँ जी, हाँ बिल्कुल स्टार्ट करो। साहिल आप स्टार्ट करो। पुष्पगिरी हाउस साहिल। साहिल अनम्यूट करो अपने आप को, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। साहिल आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोले। साहिल यस। हाँ बेटा आप बोलना स्टार्ट करो। बरसात। गुड इवनिंग मैम एंड माय फ्रेंड्स। माय टॉपिक इज हिंदी पोयम। आई रीड। बरसात की आती हवा आती वर्षा धूल आकाश से या चंद्रमा के पास से बादलों की सांस से। बरसात की आती हवा बरसात की आती हवा या खेलती डाल से या खेलती डाल से उच्च शिखर के भाल से आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा झकझोर लहराती हवा बरसात की आती हवा या खेलती तरुमल से या खेलती हर डाल से लोनी लता के जाल से उठ खेल इठलाती हवा बरसात की आती हवा यह शून्य से होकर प्रकट नव हर्ष से आगे झपट हर रंग हर अंग से जाती लिपट आनंद सरसाती हवा बरसात की आती हवा। थैंक यू मैम। वेरी गुड। आपने आपको अनम्यूट करो और बोलो। अनम्यूट करो। स्टार्ट करो बेटा। मैम मेरी कविता का नाम है दो चिड़िया। सोने के पिंजरे में थी सुंदर सा प्यारी बनकी चिड़िया उदक रही थी डाली डाली सारी। मिलन हुआ जब दोनों का यूं आपस में बतियाई। पूछा वन के पक्षी ने तब क्यों पिंजरे में आई। पिंजरे की चिड़िया बोली आओ तुम भी भीतर बात करेंगे हम तुम दोनों आज राजी भर कर। खाएंगे मिल अनार के दाने गटकेंगे मीठा पानी फिर झूल झूल कर तुम झूले पर कहना अपनी कहानी। बनकी चिड़िया बोली उससे बंधन मुझे ना भाए मैं स्वतंत्र निर्बंध मुक्त हूँ आश्रय मेघों के साए। हो उदास पिंजरे की चिड़िया मन ही मन में रोती गाती गुनगुनाती गीत मुक्ति के जो मैं बाहर होती। पिंजरे की चिड़िया पिंजरे के मन का पक्षी वन में समझे वो ही बोर मुक्ति का रहता जो बंधन में। थैंक यू। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। रिदान खन्ना वल्लभी हाउस। नमस्कार, मेरा नाम रिधान खन्ना है और मैं 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं
वल्लभी हाउस से हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने एक कहानी प्रस्तुत करूंगा जिसका नाम है वर्षा समीर। बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से मधुसित मधमाती हवा बरसात की आती हवा ये खेलती है डाल से ऊंचे शिखर के बाल से आकाश से पताल से आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, जग में वैदर्ती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते, शीतल मन पवन यहाँ पर लाता नया विहान है। भारत देश महान है, तीन ओर सागर की लहरें इसके पांव पकड़ती, रंग बिरंगी खिलती गुंजा करता कोयल का मीठा गान है। भारत देश महान है, मेघ यहाँ अमृत बरसाते नदियाँ प्राणों को सींचते, हरी भरी ये फसलें सारी पर बस मन को खींचती, इसकी धरती सोना उगले रत्न राशि की खान है। भारत देश महान है, राम कृष्ण की लीलाओं का ये तो पान धाम है, महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है, वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यहाँ अभियान है। भारत देश महान है, जय हिंद, धन्यवाद। वेरी गुड बेटा, कंप्लीट हो गए। शिक्षा बच्चे आप अपने आप को अनम्यूट करो और स्टार्ट करिए अपना। नमस्कार प्रधानाचार्य जी, मेरे प्यारे शिक्षक गण, आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सच्चे मित्र। चिड़िया ने आवाज लगाई, कहा बनाए नीड, रोज पेड़ कटते जाते बढ़ती जाती भीड़, रोग कुल्हाड़ी बात हमारी सुनो जरा कुछ खास, पेड़ ना होंगे तो फिर कैसे हम तुम लेंगे सांस, पत्थर खाकर भी वे अपने मीठे फल बरसाते हैं, रंग बिरंगे फूल निछावर करके मेहर होते हैं, अपने पास बुलाकर हमको ठंडी छाया दी, आज बने उनके सच्चे मित्र वही। आज मैं आपको इस कविता से ये संदेश देना चाहती हूँ, मानव जैसे तेजी से पेड़ों को काट रहा है, जाने कितने पशु पक्षियों के घर उजड़ गए हैं। धन्यवाद। वेरी गुड, शाबाश बेटा। वेरी गुड दीक्षा मैम, थैंक यू मैम। लेट्स स्टार्ट। शौर्य, ये भी है शौर्या। किस स्टार्ट करो बेटे, किससे जन्मते, किसने तुम्हें जन्म दे अपनी गोदी में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर, किसने तुम्हें लाकर आचल प्यार क्या दुलाया, किसने तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा बनाया, किसने तुम्हें अनमोल देव पलवान बनाया, माता पिता से बिछड़ कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता, हमारे बच्चों उसे ना भूलो वह भारत माता।
यश यश पीमान सबको सुनाता हमें हेलो मैम यस बेटा स्टार्ट मैम मेरा नाम हेलो मैम मेरा नाम यश है मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा मेरी कविता का नाम है वर्षा समीर इस कविता के रचयिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन बरसात की आती हवा वर्षा धुरे आकाश से चंद्रमा के पास से बादलों की सांस से मधुसिक मधमाती हवा बरसात की आती हवा यह खेलती हड़ताल से ऊंचे शिखर के भाव से आकाश से पताल से जलदो लहराती हवा बरसात की आती हवा यह खेलती है तरुमल से यह खेलती है हर डाल से ऊंचे लोनी लता के डाल से अटकेले उठलाती हवा बरसात की आती हवा यह शून्य से होकर प्रकट नव हर्ष से आती आगे झपट हर अंग से जाती लिपट आनंद बरसाती हवा बरसात की आती हवा धन्यवाद देवांश कश्यप समृद्धि बेटा अनम्यूट करो अपने आपको हाँ जी समृद्धि मॉर्निंग बेटे यस मैम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरा नाम समृद्धि है मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ मैं आपके सामने हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ इसका नाम है भारत देश महान है जग में सब देशों से जिसकी निराली शान है धरती का स्वर्ग भारत देश महान है इसके उत्तर में झूमते शीतलमंद पवन यहाँ पर लाता है अभियान है भारत देश महान है इसके पापखार थी रंग बिरंगी खिलती गलियां इसका रक्षा भार थी ड्राई में ही पूजा करता कोयल का मीठा गान है भारत देश में अमृत बरसाते नदियां प्राणों को सींचती हरी भरी ये फसलें सारी बरबस में इनको खींचती धरती सोना अगले रत्न राशि की खान है भारत देश महान है राम कृष्ण की लीला उनका यह तो पावन धाम है महावीर गौतम गांधी का जब भी लेता नाम है वीर प्रताप शिवा का जब यहाँ पे आना है भारत देश महान है थैंक यू नेक्स्ट आई एम फ्रॉम नालंदा किसको बुलाया मयंक फ्रॉम नालंदा हाउस मयंक मिटला मयंक आर यू लिसनिंग मयंक अनम्यूट करिए मेरा नाम मयंक है मैं 4वीं कक्षा का छात्र हूँ आज मैं आपके सामने भारत माँ की एक पोयम सुनाऊंगा आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान कर्म करें हम ऐसा जिससे बड़े देश शान कर्म करें हम ऐसा जिससे बड़े देश शान खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पुकारे सागर खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पुकारे सागर तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर राम कृष्ण गौतम ये जहाँ जिसके प्राण निर्मली नदियाँ जिसके सच सामला भूमि वाला भारत देश महान सच सामला भूमि वाला भारत देश महान मंदिर मस्जिद जहां सुनाते घंटी और अजान
मंदिर मस्त कहाँ सुनाते घंटी और अजान, वसुदेव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान, वसुदेव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। चेहरे अलग अलग है लेकिन एक हमारे प्राण, चेहरे अलग अलग है लेकिन एक हमारे प्राण। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। जय हिंद। सभी हाउसेस में से एक एक बच्चे का हो गया है क्लैपिंग फॉर ऑल। मैम एक बच्चा नहीं बोला ना, सभी हाउसेस से एक एक बच्चे का हो गया है। बच्चे अपना नाम लिखिए, ये 7-6-B-4 अपना नाम आप यहाँ पे लिखिए। दीक्षा 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 ग्राम पुष्पगिरी दीक्षा 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 कहो आप। याशिका याशिका है तो याशिका बेटा थैंक यू ऑल पेरेंट्स ऑल चिल्ड्रन टीचर्स बहुत अच्छा आपने काम किया। छोटे बच्चों को तो सुन के भी इतना अच्छा लग रहा था। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू स्पेशली बबीता। वेलकम मैम। थैंक यू बबीता मैम, थैंक यू वेरी मच। बिबी मैम थैंक यू, बबीता मैम ओके जी ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू बबीता, बाय 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 सबको, थैंक्स बाय। वेलकम मैम, थैंक यू बबीता।